हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पार्वती कुमारी ब्लॉग पर। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी स्वस्थ हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं कॉलेज गई थी। आज कॉलेज में मेरा अभी एग्जाम फॉर्म भरा रहा है पीजी सेमेस्टर 1 का, और स्कॉलरशिप का भी ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, बोनाफाइड वगैरह मिल रहा है। तो आज हम सब काम कर लिए, दोनों काम कर लिए, और आज पहली बार आधार कार्ड से पैसा निकाले थे, क्योंकि मेरा एटीएम नहीं है और मैं कभी पैसा निकाली नहीं थी आधार कार्ड से। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत इजी है, तुरंत हो जाता है, मिनटों में हो जाता है काम। कहीं भी है तो आधार कार्ड के द्वारा हम पैसा निकाल सकते हैं और अपना जरूरत भर यूज में ला सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी शाम हो गया है और आज हम लोग बना रहे हैं सहजन का सब्जी। देखिए ये है जोकी, हम लोग झारखंड में इसको जोकी बोलते हैं। ये सहजन है, बीपी मेंटेन करता है। सो आज इसी का सब्जी, और जैसे कि किन्हीं का अगर हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी हाई है, तो वो लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये सहजन का सब्जी। बीपी मेंटेन करता है, बीपी को कम करने काम करता है। जिसका बीपी लो है, वो अगर वो खाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बहुत खा सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं खाना है। जिसका बीपी लो है और जिसका नॉर्मल है वो खा सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही काम करता है ये ब्लड प्रेशर में, हाई ब्लड प्रेशर में सहजन का सब्जी, और हेल्दी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सो अभी हम लोग सहजन का ही सब्जी बनाएंगे। सो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम बना के भी रख लिए हैं और अभी थोड़ा सा बनाएंगे। इसका छिलका हटाते हैं क्योंकि इसका छिलका कड़वा लगता है थोड़ा सा, और छिलका अगर नहीं हटाएंगे और इसको यूं ही ऐसे ही बनाएंगे तो इसका टेस्टी उतना अच्छा नहीं लगता है, सब्जी को खराब कर देता है। इसलिए इसका ऊपर का जो छिलका है उसको हटाते हैं। जैसे केला का छिलका हटाते हैं, केला का, पपाया का, इस टाइप में सहजन का भी छिलका को हटा के बनाते हैं। देखिए इसका ऊपर का भाग है ना ये वाला, इसको हटाएंगे, पहले ऐसे से छील लेंगे। ये देखिए इस टाइप में, सो फ्रेंड्स ये देखिए हम जो कि सब्जी काट लिए हैं, और देखिए मसाला भी निकाल लिए हैं। ये है जीरा, गोलकी, और देहाती वाला सरसों है, देखिए काला वाला, ये देखिए काला देहाती वाला सरसों है, लहसुन और हरा मिर्चा का चार कली लिए हैं, और अभी इसका पेस्ट बनाने जा रहे हैं। पहले इसको पीस लेंगे सिलट में, उसके बाद बनाएंगे सब्जी। सो फ्रेंड्स, आपको तवा चढ़ा दिए हैं कढ़ाई गर्म हो गया है, और अभी इसमें तेल डाल रहे हैं। ये है सरसों का तेल, डाल दिए सरसों ऑयल, और इसमें प्याज, प्याज और मिर्चा को फ्राई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड ये भुंजा गया है, देखिए बादामी कलर आ गया है प्याज में, आप सहजन और आलू इसमें डाल देंगे। सो
इसमें नमक ऐड कर रहे हैं स्वाद अनुसार। सो फ्रेंड्स देखते हैं बना कि नहीं। ये देखिए लटक रहा है, ये पक गया है, देखिए हल्का पक गया है। अब इसमें मसाला डाल देते हैं। देखिए मसाला हम पीस के रख लिए हैं, इसमें डाल देते हैं। मसाला को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि सहजन का सब्जी में हल्का झोर रहता है तो खाने में मजा आता है। तो फाइनली फ्रेंड देखिए मसाला भुंजा गया है और इसमें पानी ऐड करते हैं। देखिए पानी डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा खौलाते हैं, उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए सब्जी कितना अच्छा खौल रहा है। अब इसमें हम टमाटर काट के रखे हैं, इसको डाल देते हैं। देखिए डाल दिए टमाटर। सो फ्रेंड्स देखिए इधर मेरा सब्जी बनके तैयार हो गया है। देखिए बहुत ही टेस्टी बना है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इधर हम आटा भी गूंद लिए हैं, ये देखिए। और अभी रोटी बनाएंगे। आटा गूंधा गया है, देखिए पूरा टोप बहुत ही अच्छा गूंधाया है ये। इधर सब्जी भी बनके तैयार हो गया है और अभी फटाफट रोटी बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बताएंगे भैया और मम्मी चख के कैसा बना है सहजन का सब्जी। सो गैस बंद कर देते हैं। फाइनली फ्रेंड देखिए मेरा रोटी या सब्जी बन गया है और हम निकाल भी लिए हैं और अभी मम्मी को खाने के लिए दे रहे हैं। मम्मी बताएगी कैसा बना है। लो मम्मी ये देखिए मम्मी खा रही है। कैसा बना है मम्मी? अच्छा बना है। सब फ्रेंड देखिए अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी लगता है सहजन का सब्जी। मम्मी मेरा से भी टेस्टी बनाती है लेकिन आज हम बनाए। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दे और मेरी वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें। सो फ्रेंड्स मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड एंड गुड नाइट।